ये क्या? बेस्ट आई क्लिनिक? ये क्या है? अरे बड़े भैया, ये आई क्लिनिक कब से खोल दिया? मुझे मेरे प्राइमरी है, अरे डॉक्टर तुम्हें शुरू से ही था। मैंने परफेक्ट आई साइट के लिए भी कुछ नई मेडिसिन बनाई है यारी, इसलिए आई क्लिनिक खोल दिया। हम कुछ और जरूरी सामान लेने लैब जा रहे हैं, तुम दोनों क्लिनिक में रुको और कोई पेशेंट आए तो उसे रोक के रखना यारी। बुड़ी बाबा, हम थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, पहले दिन पेशेंट लौट जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे डॉक्टर झटका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई पेशेंट आएगा तो हम उसे रोक के रखेंगे। ओके, हम अभी गए और यू आई यारी। ओके। वाह वाह, क्या क्लिनिक बनाया है बड़े भैया ने। अरे हाय। अरे मोटू। हेलो। अरे पतलू, हम किसी पेशेंट को रोकेंगे कैसे? सिर्फ ये कहने से कि डॉक्टर आ रहे हैं, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। तो क्यों ना हम डॉक्टर के गेटअप में सिर्फ पेशेंट को चेक करने की एक्टिंग करते रहे, तब तक बड़े भैया आ जाएंगे। सिंपल। ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सिर्फ चेक करेंगे और उनको उलझा के रखेंगे। चलो डॉक्टर का गेटअप ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, जरा मेरी आँख चेक कर लीजिए, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बैठो, चेक करते हैं। अरे लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने पहले आँख में कोई दवा डाल के कुछ देर बिठाया था, उसके बाद आँख चेक किया था। हाँ, हम वही कर रहे हैं। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओ, इसमें तो दो तीन बूंद ही बचे हैं। ये फल बॉटल है। क्या कर रहे हो तुम? अरे डॉक्टर, क्या डाल दिया मेरी आंखों में, बुरी तरह से जल रहा है। अरे मैं इशारा कर रहा था मत डालो मत डालो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? सॉरी सॉरी, गलती हो गई। वो एक बोतल में क्या है ना, दवाई कम थी तो मैंने दूसरी बोतल से थोड़ी सी डाल ली। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। अरे अपनी कमेंट्री बंद करो, नकली दवाई डाली होगी, इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, तुम दोनों फर्जी डॉक्टर हो। मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा, मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अरे अरे ये क्या, मुझे दीवार के उस पार भी दिख रहा है। वो देखो, पीली कार यहाँ जा रही है, लाल कार वहां से आ रही है, ये तो चमत्कार हो गया। पतलू, यहाँ से तो सच में येलो और रेड कार जा रही है। हाँ, ये क्या, ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। है ना? थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे आपने तो अजूबा कर दिया, अब मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। जय हो। अब तो हम वर्ल्ड फेमस आई स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। मोटू, वाकई तुमने तो सच में कमाल कर दिया। पर बताओ तो मोटू, तुमने कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया था? मैं ये वाली, नहीं नहीं शायद ये वाली, हाँ याद आया, नहीं नहीं शायद वो वाली। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपके पास कोई ऐसी दवाई है जिससे आईज एक्सरे मशीन के जैसे बन जाती है, दीवार के आर पार सब दिखने लगता है। अरे ये चिंगम सर कहाँ से आ गए? वो तो डॉक्टर सर, मेरी आंखों में भी वही दवाई डाल दो, अपराधी बार बार मुझे चकमा देकर भाग जाते हैं। एक बार मुझे भी दीवार के आर पार दिखने लगा तो हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा। यस, आई एम रेडी, दवाई डालो। आइए आइए, वहाँ लेट जाइए। चिंगम सर, मोटू जल्दी याद करो वो कौन सी दवाई थी, याद करो। कर रहा हूँ। ये थी, नहीं थोड़ी सी वो वाली भी मिक्स की थी, फाइनल ये वाली और वो वाली।
पहले डाल दिया, हिला के मिक्स कर दिया। दवा तैयार, डाल देता हूँ। ये आंखें खोलिए। हाँ, ये भी। कैसा लग रहा है चिंगम सर? थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटे रहिए। अब आप धीरे धीरे आँख खोल सकती है। खोलिए। अरे माँ, डॉक्टर साहब, आप लाइट तो ऑन करो। लाइट के बिना सब काला काला दिख रहा है। अरे मोटू, हम तो गए। लगता है चिंगम सर की आंखों की बत्ती हमेशा हमेशा के लिए गुल हो चुकी है। डॉक्टर सर, प्लीज 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 लाइट ऑन करो ना। लाइट मुझसे और इंतजार नहीं होता। लाइट ऑन करो प्लीज। आइडिया इंस्पेक्टर सर, वो क्या है ना कि क्लिनिक का बल्ब फ्यूज हो गया है। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं। मुझे अंधेरे में छोड़कर आप दोनों कहाँ जा रहे हो? लाइट तो ऑन करो। सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। तुम दोनों की आवाज को सुनकर ऐसा लगा कि बहुत खास आदमी की आवाज है। चिंगम सर, हमें माफ कर दो। दरअसल हुआ यूं कि भैया माँ मोटो, तुम दोनों ने मेरी आंखों से किलवाड़ किया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो क्या है? मुझे दिखाई दे रहा है, साफ साफ दे रहा है। वो क्या है? एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। अंदर एयर होस्टेस अनाउंसमेंट कर रही है। मोटू पतलू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मैं दूर आसमान में प्लेन के अंदर तक देख सकता हूँ। अब तो हर अपराधी चिंगम के चंगुल में होगा। YPR, when चिंगम is here. देखा चिंगम सर, हमारी दवाई का चमत्कार। मोटू पतलो, जॉन इधर ही आ रहा है। मैं चुप जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे दुखियारे के दुख को दूर कीजिए। अरे हम डॉक्टर हैं, शायद तुम गलत जगह पे आ गए हो। गलत तो हर बार मेरे साथ होता है डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी मैं चोरी करने के लिए जाता हूँ तो मेरी आंखें ऐन मौके पर पानी पानी हो जाती है और आंसू ऐसे बहने लगते हैं जैसे कि म्युनिसिपैलिटी का नल खुला है। हम चोरों का इलाज नहीं करते। जाओ। आप डॉक्टर हो, पुलिस नहीं। आपको इलाज करना होगा, ये मेरा अधिकार है। इंस्पेक्टर चिंगम की तरह बिहेव मत करो। वो एक नंबर का नकारा, किस्मत का मारा। न है उसको कुछ आता ना जाता। जब देखो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता। ये कौन बोला? ये तो चिंगम सर की आवाज थी। सही में क्या? अरे नहीं नहीं, चिंगम सर यहाँ कैसे होंगे? तुम उनकी बातों में खो गए हो, इसीलिए ऐसा लगा। और सुनो, और तो और, चिंगम सर के वो दो चमचे मोटू पतलू काम धाम कुछ नहीं करते। दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर टफरी करते रहते हैं। मोटू को समोसों के अलावा कुछ नहीं सूझता और पतलू को अपने जासूसी दिमाग से फुर्सती कहाँ है। दोनों बस सब काम धाम छोड़ के मुझे बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं। अगर वो दोनों मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको ऐसे 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 अपने पैरों तले कुचल दूंगा। नहीं, मोटू पतलू, तुम दोनों और एक डॉक्टर, रुक जाओ। जॉन, अब मैं तुम्हारा इलाज जेल में करता हूँ। स्टॉप, स्टॉप द नेम ऑफ लॉ, रुक जाओ। ये क्या?
मैंने चिंगम सर का पर्स चुराया, फिर भी मेरी आंखों में पानी नहीं आया। मोटू बदलू, तुमने तो मुझे ठीक कर दिया। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, कदरदानी। अब तो मैं हंसते हंसते जेल जाने को तैयार हूँ। देखा, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोला तो ये इम्पॉसिबल है। मोटू भागो यहाँ से, वरना किसी की आँख चली गई तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। भागो।